गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज फाइनल डे है देवनायक में, तो कल अभी निकल जाएगा। तो कल जो ला फाबेला क्लब में गया था वाले एरिया में, पास में ही यहाँ से हॉस्टल से अंदर, मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, कुछ रिकॉर्डिंग किया नहीं होती। फिर अंदर जाके थोड़ी देर रुका, वापस चल रहा है, तो ज़्यादा कुछ फिटिंग रिकॉर्ड किया नहीं मैंने। अभी मैं जा रहा हूँ तानालोट टेम्पल और देख रहा हूँ कुछ बाइक वगैरह रेंट करने के लिए। ये मेरा हॉटल के पास का एरिया है। तो निकलते थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट होटल में कर लिया जो इंक्लूड था, क्योंकि वहाँ से कुछ खास नहीं था ब्रेकफास्ट, देखते बाहर कुछ मिलता है क्या। तो तानालोट टेम्पल यहाँ से कुछ 35 मिनट से दिख रहा है टू व्हीलर से। फिर तानालोट से अभी कुछ प्लान नहीं किया कहाँ जाना है, तो लेकिन देखते हैं अभी इधर जो भी प्लान होता है आपको दिखाता हूँ मैं, उसके हिसाब से प्लान करते हैं आज का दिन। ये वाली बाइक रेंट पे ली है, 80,000 इंडिकेशन हो गया, स्कूपी करके है और कौन से कंपनी की है भाई, है होंडा कंपनी की है। तो यहाँ पे पहुँच गए भाई तानालोट टेम्पल के पास, और फिर यहाँ पे टिकट ले रही है काउंटर पे, वो टिकट निकाल दी। टिकट की प्राइस है 60,000 पर हेड। देखो ऐसी कुछ टिकट मिली है, अभी चलते हैं अंदर टेम्पल की तरफ। यहाँ पे पार्किंग कर दिए, गाड़ी पार्क कर दिए, अरे पूरी टू व्हीलर पार्किंग है नीचे पीछे, और एकदम पास तक आ सकते हो अगर आपके पास टू व्हीलर है तो। ऐसा कुछ है तानालोट टेम्पल, अच्छा है, मौसम साथ दे रहा है, ज़्यादा कुछ धूप नहीं है, बारिश जैसा मौसम लग रहा है। ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है अभी, शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है सनसेट के टाइम। तो टेम्पल वहाँ पे दिख रहा है, रॉक से पूरा सा कटा हुआ है रॉक, अंदर से पूरा मस्त पानी आ रहा है, वेव्स आ रहे हैं। अभी चलते वो साइड देखने के लिए। टेम्पल तो बंद दिख रहा है लेकिन पास तक जा सकते हैं देखने के लिए। चलो एंटर करते हैं टेम्पल। सही है यार, मस्त लग रहा है, भीड़ भी नहीं है तो और अच्छा लग रहा है। और क्या नज़ारे है, मस्त, पूरा ये रॉक के ऊपर बसा हुआ है टेम्पल, काफ़ी पुराना है। वो विकिपीडिया भी पढ़ा था कुछ 16th century में बना है शायद, और रिनोवेशन भी हुआ था इनका, इसका 18th century में। अरे देखो ये पूरा समुंदर, पूरा रॉक दिख रहा है, देखो पूरा काला काला, पूरा पत्थर ही है, पत्थर के ऊपर बसा हुआ है। पानी इतना ब्लूइश नहीं दिख रहा है, थोड़ा डर्टी दिख रहा है पानी इधर का, जैसे सेमिना के चांगू में था। यहाँ से अंदर एंट्री नहीं है, लगा के रखा है इन्होंने। देखो यहाँ से ऐसा दिखता है मस्त, पूरा वहाँ तक जाएंगे थोड़ी देर में अपन, यहाँ से ऐसे चल के वो साइड में। देखो ये आंटी आई है अभी पूजा का सामान लेने के लिए, तुम सामान लेके आई है, ये जाएंगे यहाँ पे पूजा करने के लिए। हिंदू टेम्पल ही है, काफ़ी हिंदू टेम्पल है बाली में, उनमें से एक ही है फेमस वाला। ये वो जो भगवान को चढ़ाते हो प्रसाद के नाम पे, फूल वगैरह है, फिर राइस भी है, मिंटोस भी दिख रही है, अलग अलग प्रकार के फूल्स हैं, अपनी अगरबत्ती तो है। ये साइड भी एक व्यू पॉइंट है, देखो ये वाला जो पत्थर है ना काला कलर का, वैसे ही है वो टेम्पल का कलर। यहाँ से पूरा व्यू आता है, देखो एक लोग पाइथन के साथ फोटो खिंचवाते हैं, डेंजर है भाई ये करने का। तो ये साइड भी टेम्पल है, मस्त व्यू आ रहा है, वहाँ पे थोड़ी भीड़ लग रही है, क्रॉस करके जाना पड़ता है शायद वो वाले टेम्पल, चालू है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, उधर जाके पता चलेगा। पानी क्रॉस करके रिवर्स बड़ी खतरनाक है इधर, ये साइड ज़्यादा भीड़ है उस साइड से।
बेस देखो भाई कितनी खतरनाक है, ये हाजी अली ऐसा लग रहा है सीन, मुंबई में जैसे हाजी अली है ना, समुद्र के अंदर है वो। वो साइड भी एक टेंपल है लेकिन एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, अलाउ नहीं आपको जाने के लिए। वो देखो उधर देखो टाइड्स यहाँ तक आ रही है पानी, लोग पानी के अंदर से उधर जा रहे हैं। वो साइड मैंने वो साइड क्या है तो मैं तो नहीं जाने नहीं वाला वहाँ पे। यहाँ पे होली स्नैक, उसके अंदर स्नैक्स है, लोग होली स्नैक पता नहीं क्या है। तो अनावलो टेंपल का बहुत सारी भीड़ है इधर, लोग अंदर भी जा रहे हैं उधर केव्स के अंदर। अभी मेरा तो देखना हो गया, तो चलते हैं दूसरी स्टॉप की तरफ। ये देखो भाई का मस्त फोटो निकाल रहे हैं, बहुत भीड़ हो चुकी भाई इधर। और ज़्यादातर इंडोनेशियन नेशनलिटी के लोग ही दिख रहे हैं इधर, फॉरेनर्स थोड़े कम दिख रहे हैं। देख ले भाई दानालो टेंपल देखो मेरे पीछे, भूख लगी है अभी लंच करने के लिए चलते हैं। अभी तो ट्राई करते हैं मैगडी डोमिनोज नहीं तो पिज़्ज़ा हट जाने का, देखते वहाँ पर कुछ वेज बर्गर या वेज पिज़्ज़ा अगर कुछ मिल जाता है क्या, तो आपको भी दिखाऊँगा कुछ वेज का ऑप्शन यहाँ पर कैसा क्या मिलता है और प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है। यहाँ से थोड़ा दूर है, अपने एरिया में ही है वो, मतलब एक मॉल सा है उसमें से, उसमें सब ये फूड चेन्स अवेलेबल है। चलते देखते अभी 30-40 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने के लिए वहाँ पे बाइक से, अगर ट्रैफिक नहीं रही तो। पहले बर्गर किंग में आए भाई, अभी देखते हैं कुछ वेजिटेरियन के लिए मिलता है कि नहीं, फ्रेंच फ्राइज या बर्गर या कुछ भी, देखते अंदर जाके क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, कीर्ति भी है। देखिए सबसे पहले ट्राई करते हैं बर्गर किंग। में एक भी बर्गर वेजिटेरियन नहीं है, बस फ्रेंच फ्राइज है वेजिटेरियन। और फ्रेंच फ्राइज का प्राइस है जो लार्ज है उसको है 31,000, मीडियम है कुछ 24,500 और स्मॉल 15,000। अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं मैकडोनल्ड्स। तो ये वाले मैकडोनल्ड्स में आ गए भाई, अभी देखते हैं यहाँ पे वेज का कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे स्टारबक्स भी है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, यहाँ पे नेपोली करके वारूम है, एक स्क्वायर है यहाँ पे सेमिनायक में। मैं चलता हूँ, मैं अंदर देखता हूँ मेरे लिए क्या मिलता है खाने के लिए फ्रेंच फ्राइज के अलावा। ऑर्डर इंग्लिश 18, सैंडविच में देखते पहले चिकन फिश बीफ है यहाँ, उसको ही पूछना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा वेज में और कौन सा नॉन वेज, उधर जाके देखना पड़ेगा। तो भाई मैकडी में आ गया हूँ मैं और यहाँ पे भी वेज बर्गर नहीं है, तो एक कोक लिया हो और एक लार्ज फ्रेंच फ्राइज से काम चलाना पड़ेगा अभी। और स्ट्रॉबेरी नहीं मिलता है और इसे पीना पड़ेगा। तो फ्रेंच फ्राइज है 24,000, मतलब लगभग 120 रुपये पकड़ लो, और कोक है 10,000 का, वो पकड़ लो लगभग 54 रुपीज़। ये भाई इनका कोक और ये अपने फ्रेंच फ्राइज लार्ज, टेस्ट वैसी है बस ऑयल थोड़ा अलग लग रहा है। ये भी लिया है वो एक मैक फ्लरी, अलग सा कोई फ्लेवर मिला यहाँ पे, तो चलो बोला ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो बर्गर किंग और मैकडीज जाने के बाद, मतलब मैकडी जाने के बाद मैं यहाँ पे आ गया अभी सेमिनेक स्क्वायर करके एक मॉल है, सेमिनेक में ही है, सेमिनेक स्क्वायर और सेमिनेक विलेज दोनों लगे हैं शॉपिंग के लिए। अभी लास्ट डे है हमारा बाली में, तो कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, बैग में कुछ जगह तो है नहीं लेकिन जितना होता उतना देखते हैं अभी क्या सस्ते में मस्त मिलता है। तो अच्छा कुछ है शॉपिंग मॉल, अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही लेकिन ठीक है, ठीक ठाक भीड़ है। ऐसे कुछ शॉपिंग सेंटर्स वगैरह है इधर, मेरे पीछे भी है स्ट्रीट शॉपिंग। ये है वो मॉल सेमिनेक सेंट्रल, सेमिनेक विलेज, इधर जाके देखते हैं अंदर कैसा क्या सीन है, भीड़ तो बहुत है। बड़े बड़े ब्रांड दिख रहे हैं H&M, ज्वेलरी वगैरह शॉप, H&M भी है वो साइड।
थाईलैंड जैसा थोड़ा लग रहा है। मॉल के अंदर भी बीच में काफ़ी सारे शॉप लगा देते हैं, ये क्रॉक्स भी है उधर। ये मॉल के अंदर ही एक मस्त एक सुवीनियर का शॉप है, कौन सा मॉल बोला, सिमनेक सेंट्रल। यहाँ पे देखो मैग्नेट कितने अच्छे सारे हैं, जो बाहर पे मिलते ना उससे मस्त बेटर, थोड़े महंगे हैं लेकिन मस्त है। देखो ये चप्पल ये है 29,000 की, थोड़े महंगे हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है और मस्त है। ये साइड पे भी है, ये देखो ये सारे 50,000 के हैं। देखो कितना सही है, बाल इसमें पैराडाइज। देखो यहाँ पे लगे ये शो के लिए, ये सारे 50,000 में हैं। अगर आपको आना होगा तो ये वाले मॉल पे आ जाओ, ये वाला मेरे को बहुत पसंद आया। देखो बराबर, तो बहुत सारे सुवेनियर्स मिल जाएंगे आपको, जो चाहिए आप जो चाहिए वो। मसाज करने के लिए आ गए भाई, मैं बाली में चल चल के अभी थोड़ा थक गया हूँ, तो चलो बोला थोड़ा फुट मसाज कर दिया जाए। 70,000 इंडोनेशियन रुपया ले रही है, मतलब लगभग 300 रुपये 30 मिनट्स के लिए। यही बच गया था अभी वाली में, अब यही कर लेते, कीर्ति बैठे हैं यहाँ पे, वहाँ भी बैठ जाता हूँ। रूम पूरा ऐसी है, अच्छा खासा पॉश है, ये वही रोड पे है, इजियन रोड बोलते हैं इसको, जहाँ पे कैलाश पर्वत और बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। ये नाम है स्पा सेंटर का, एकाथा स्पा, बालीनीस मसाज, फुट मसाज हम कर रहे हैं, फुट मसाज। और ये चालू रहता है 9 to 11 डेली। तो यहाँ पे आके भाई हम सेविनायक बीच, और पार्किंग है 2,000 रुपया इंडोनेशियन, जो कि होती है इंडियन करेंसी में 11-12 रुपये। सनसेट तो हो गया होगा अभी, फुट मसाज के बाद सोचा कि चलो अभी मस्त बीच पे बैठते हैं, लेकिन लग रहा है सनसेट हो चुका है। तो काफ़ी क्राउडी बीच लग रहा है ये, एंट्री फी तो ऑफकोर्स नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल वॉल लगे यहाँ पे। भुट्टा खाने की इच्छा हो रही है यार, पूछता हूँ भुट्टा कितने का है, तो अंदर मिलेगा पता नहीं, इधर रास्ते पर दिख रहा है, तो मेरे पीछे अंकल बना रहे हैं। तो भाई वो जो कॉर्न थे, नॉनवेज वाले थे, बटर में क्या कुछ तो बोल रहा था यार, तो नहीं लिया मैंने। तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ है खाने के लिए कि नहीं, तो अपना इंडियन रेस्टोरेंट ठीक है कैलाश पर्वत, थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बैठेंगे थोड़ा चिल मारेंगे, तो मस्त लग रहा है अभी। देखो भाई इधर भी मस्त बड़े बड़े वेव्स है, ये वाले बीच पे भी, और यहाँ पे मस्त शेक्स वगैरह, मतलब रेस्टोरेंट अच्छे खासे। तो इस साइड में विलास वगैरह भी है, आप बुक कर सकते हो। बीच क्लब भी दिख रहा है आगे से एक, और ये मस्त फोटोशूट भी चल रहा है। ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ मैं अभी, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए है ही नहीं मेरे पास, और ये लास्ट डे मेरा बाली में, मतलब कल सुबह मेरी फ्लाइट है फिर बाली, बाली से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया के लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ये वीडियो, और आप फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। तो यस गाइस, बाय बाय फॉर द डे।